डॉक्टर मैंने बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखी एक लिपस्टिक वाली वीडियो वायरल है, काफ़ी लोगों ने कहा आपने ड्रिंक करके उसको मार रहे हो, ड्रिंक करके में बाहरले देशों में फॉरन में भी लोग स्पेशली वीडियो देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और ऊपर वाले ने शायद एक हमें एक नई जर्नी दी है कि इन एनिमल्स के लिए। एक सवाल उठता है कि उनके जहन में कि ये पैसे इनकम का क्या सोर्स है, कहाँ से आते हैं, कैसे ये लोग खर्च कर रहे हैं, ऐसा कोई इंसान होता नहीं है। तो उनके भी आपने आपको हमने दिखाया किस तरह से बंदर को यहाँ पर छोड़ा गया है, और अब आपको दिखाते हैं ये कुछ छोड़ने जा रहे हैं। करनाल रॉक स्टार की टीम है, और करनाल रॉक स्टार देखिए इनके शर्ट पे भी लिखा है, एनजीओ है, लेकिन ये करनाल रॉक स्टार जो ये नाम है ये कैसे है और किसने शुरू किया, उनके साथ ही हैं, तो आप पहले अपना परिचय बताइए और कैसे ये काम इतना बेहतरीन कर रहे हैं। जी सर, देखो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले होता है इंसान का कर्म, और कर्म ही इंसान को आगे लेके जाता है। सबसे पहले मैं मॉडलिंग करता था और सॉन्ग भी हमारे खुद के यूट्यूब पे करनाल स्टार जो चैनल है। तो एक इंसिडेंट हुआ था, एक मंकी का केस था और उसके हाथ पैर नहीं थे, उसको बचाने के लिए मैं हिसार तक लेके गया। वो चार दिन की लाइफ जर्नी ऐसी रही, उस चार दिन की लाइफ जर्नी में 40 से 50 हज़ार लोग हमारे पेज के साथ नए जुड़ गए थे उस टाइम पे। तो उन लोगों ने वो वेट किया कि आपका नाम भी पवन है और शायद ईश्वर ने आपको इन्हीं के लिए चुना है, तो आपको इनके लिए मेहनत करनी चाहिए। तो कहते हैं फिर जब ईश्वर का इशारा, पवन शर्मा, पवन शर्मा ईश्वर का इशारा था, तो हम लोगों ने फिर एनजीओ रजिस्टर्ड करवाई और एनिमल्स के लिए वर्किंग करनी स्टार्ट कर दिया। करनाल स्टार नाम कैसे पड़ा? एक्चुअली पहले मैं फनी वीडियो, प्रैंक वीडियो, कॉमेडी वीडियो बनाते थे हम लोग, तो करनाल के नाम से ही मैंने शुरुआत की थी कि मैं करनाल को प्रमोट करूँ अपने करनाल का। तो कुछ लोगों ने मुझे डिमोटिवेट करने के लिए बोला फुद्दू नाम रख लिया, ये तो सिर्फ करनाल तक सीमित है, बट शायद ये नहीं पता था कि ये आज के टाइम में बाहरले देशों में फॉरन में भी लोग स्पेशली वीडियो देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और ऊपर वाले ने शायद एक हमें एक नई जर्नी दी है कि इन एनिमल्स के लिए हम सेवा करें, और रेगुलर ये टीम पूरी दिन रात वर्किंग करती है। जैसे जो आप चीज़ें कर रहे हैं, कैसे शुरू में कैसे आपने, जैसे आपने बताया मंकी को पकड़ा, उसके बाद उसको दिखाने ले गए, लेकिन आपने खुद ये चीज़ सब शुरू किया, तो कैसे आपको कहाँ से ये पता लगा कैसे पकड़ना है, क्या खूबियाँ होती है जानवरों में, या जानवरों के प्रति लगाव कैसे आया, या आप उनसे कैसे बचते हैं जब कोई चीज़ काटता है, कोई चीज़ करता है, कैसे आप लोग ये सब करते हैं? सर, इन सब चीज़ों के लिए ना इंसान को दर्द होना ज़रूरी है, जब तक दर्द नहीं होता ना तब तक वो इस चीज़ के लिए काम नहीं कर सकता। और जब इंसान के साथ इस तरह के हादसे होते हैं और देखता है कि इनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, इनके लिए कोई जागरूक नहीं होते लोग, तो वही चीज़ है, जब तक इंसान को पेन, अभी ये छोटा बच्चा है, इसको क्या जरूरत पड़ी है, मतलब इन एनिमल्स के लिए, इसको इस टाइम पढ़ाई लिखाई ये कर रहा है साथ में, लेकिन ये अपनी अच्छी लाइफ इंजॉय कर सकता है, खेल कूद सकता है, लेकिन इसको सिर्फ एनिमल्स के लिए हमारे साथ डेली इसका कॉल आ जाता है या शेल्टर के बाहर आ जाता है, भैया हमें केस पे जाना है, क्यों जरूरत पड़ी है? ये इन चीज़ों को देख रहा है, फेस कर रहा है कि आज के टाइम में ना एनिमल्स के लिए कोई इतने लोग जागरूक नहीं है, लोग गाड़ियों के नीचे एक सेकेंड में पहियाँ चढ़ा दिया या मार दिया, किसी की जान से कोई फर्क नहीं पड़ता। वही है कि इंसान को इन चीज़ों के लिए दर्द होना जरूरी है, और जब तक दर्द नहीं होगा तो तब तक सोच नहीं सकता इन चीजों के लिए। मतलब आदमी को इंसान होना सबसे पहले जरूरी है आजकल कहा जाता है, आज तो के टाइम में ज्यादातर लोग इंसान इंसान नहीं रहे हैं, क्योंकि वो बेदर्द हो चुके हैं, उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जिस इंसान के अंदर इंसानियत है उसको पेन होता है, फील होती है ये चीजें, तो शायद वो इंसान डेफिनेटली इनके प्रति जागरूक है। कितनी कॉल आ जाती है आपको, कितने लगभग केसेज ऐसे मिलते हैं डेली की? मैं रिसेंटली सारी टीम देख रही है, इनके सामने कॉल्स होती है 250 से 300 कॉल डेली की होती है, जिनमें से 8 से 10 केसेज पे हम जा पाते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, जानवर तो हम भी नहीं है कि हम नहीं जा पाते, हम जितना हमसे हो पाता है उतनी कोशिश करते हैं, और एक केस में 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। जैसे इसमें जानवरों की क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, कोई क्या कैसे कैसे केस आपको मिलते हैं, कितने भयानक तरीके से? सर, मरी हुई गायें मिलती है, डॉग मिलते हैं मरे हुए, बंदर मिलते हैं जख्मी हालत में, करंट लगे हुए, कुत्ते हैं, कीड़े पड़े हुए, नाले में पड़े हुए, कोई ट्रांसफार्म पे, कोई टावर के ऊपर कोई कबूतर लटका हुआ, तो कोई घर में सांप घुसा हुआ, या कहीं घर में गो घुसी हुई है, तो सभी के लिए वर्किंग करते हैं। हमें ये नहीं है कि हमें किसी एक स्पेसिफिक एक ही जीव से प्यार है, हम सभी के लिए काम करते हैं। तो बहुत बड़ा काम आपने लिया है मोली, भविष्य के लिए आपने सब कुछ इसी में लगा दिया है। सर देखिए, कर ऊपर वाला रहा है, ये टीम एक बहाना है, करने वाला ईश्वर है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और हम नहीं कहते कि हम कुछ कर रहे हैं, जो करवा रहा है ऊपर वाला करवा रहा है, सिर्फ हमारा प्रयास है, और लोग अगर हमें देख के जागरूक हो रहे हैं तो हमें खुशी है कि हमें इस काम में पहल करनी चाहिए। वो छेड़ रहा है आपके सामान को लग रहा है, वो नमक वगैरह सामान देख रहे हैं ना अभी। हाँ, तो ये जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे केसेस अलग अलग तरीके से मिलते हैं, भयानक तरीके, लेकिन इतनी छोटी टीम आपकी काम कर रही है, तो कैसे ये मुमकिन हो पा रहा है? सर, छोटी टीम से एक दिन कारवा बनता है, कहते एक दिन में नाम नहीं बनता, एक दिन नाम जरूर बनता है,
मेहनत लगती है और हम ये नहीं कहते कि हम एक दिन में कामयाबी हासिल कर लेंगे, लेकिन एक दिन जरूर कर लेंगे। सर मैंने बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखी एक लिपस्टिक वाली वीडियो वायरल है, काफ़ी लोगों ने कहा आपने ड्रिंक करके उसको मार रहे हो, ड्रिंक करके उसको आपने लगाई। पहली बात तो हम लिपस्टिक क्यों लगाएंगे, हमें क्या जरूरत पड़ी है। वो चीज़ ही ऐसी है कि वो नुकसान करने के पीछे भागते हैं, बंदर चीज़ ही ऐसी है। अब वो आपने देख लिया यहाँ से इसको फ्री किया, वहाँ पर उसको नहीं पता उस पोलोथिन में क्या, लेकिन उसको खाने की पड़ रही है, उन्हें पोलोथिन पाट दी वहाँ पर। अभी तो यही चीज़ है, उसने क्या किया, उसने वो लिपस्टिक और सामान पड़ा था उसने वो खा लिया कुछ तो, और वो टाइम पे हमने एकदम उसको पकड़ लिया, तो उसको डांटना भी जरूरी था, अगर डांटते नहीं तो शायद आगे चल के नुकसान पहुंचा देता। तो इसी वजह से एक भाई ने रात को ड्रिंक करके कॉल करके बदतमीजी करा, तो मुझे समझ नहीं आता लोगों को दिमाग में क्या घुसा कि उन्हें खुद ये चीज़ें देखनी चाहिए। उन्होंने कहते हैं इंसान की ना, एक आप सफेद कागज के ऊपर आप उसे दिखाओगे एक पॉइंट डॉट डाल दोगे ना, बुराई एक सेकंड में दिख जाएगी कि एक व्हाइट कागज के ऊपर डॉट है। बिल्कुल, तो अभी ये बल्कि देखो किसी को कुछ नहीं कह रहा, अभी नाम से बैठा है, इसको पता है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। तो ये जैसे आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से भी ऐसे रिस्पांस आते हैं, लोग गलत समझ लेते हैं, हर तरह की दुनिया है सर। देखो हमें अपने काम से मतलब है, हमें अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमें पता है खुद की, हम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इन बेजुबान जीवों के लिए कर रहे हैं। ये बेजुबान जीव और क्या क्या आपको सिखा गए हैं अभी तक लाइफ में, और क्या आप इनसे सीख रहे हैं? इन्होंने सर ये चीज़ जरूर सिखा दी है कि आप एक इंसान और एक बेजुबान जीव के लिए जितना मर्जी कर लो, इंसान भले ही जगह दे जाएगा लेकिन ये नहीं देते। आप लोगों ने देखा है रिसेंटली जो पीछे वीडियो वायरल हुई है, ये छोड़ के जा भी नहीं रहा था मैं, क्योंकि इसके ऊपर मेहनत की थी, डेढ़ दो महीना हम लोगों ने इसको ठीक करने में लगाया, और जब हम इसको फ्री करने लगे तो ये बार बार मतलब जाना होता है कब का चल जाता, बट ये सोच रहा है कि हाँ मेरी टीम मेरे मेम्बर यहाँ खड़े हैं तो इसलिए हमारे पास ही आए। तो जैसे आप कह रहे हैं कि ये हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता है, एक सवाल उठता है कि उनके जहन में कि ये पैसे इनकम का क्या सोर्स है, कहाँ से आते हैं, कैसे ये लोग खर्च कर रहे हैं, ऐसा कोई इंसान होता नहीं है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, कैसे आप लोग इतना एफर्ट कर पाते हैं? सर पहली बात तो आप किसी अच्छे काम कर रहे हो तो आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, अगर आपकी नीयत आपके कर्म अच्छे हैं तो ऊपर वाला हर चीज़ को मुमकिन कर देता है। रही बात फाइनेंशियल की, जब भी हमारे पास कोई इस तरह के केस आते हैं, कुछ हमारा फेसबुक के थ्रू जो मेरा रेवेन्यू आता है उससे, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से जो भी अर्निंग होती है वो हमारा इन्हीं की सेवा में लगता है डेली। और कुछ लोग जब केसेस रेस्क्यू करने जाते हैं, कुछ 100 में से 2% 3% लोग ऐसे भी हैं जो दया भाव रखते हैं, जो उनको पता है भाई ये लोग कैसे, क्योंकि डेली की बाइक भी चलती है, एक्सपेंस भी होते हैं, तो कुछ लोग डोनेट भी कर देते हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं कि डोनेट कर देते हैं, फेसबुक से कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो ये पैसे लगभग कितने हो जाते हैं कि आप लोगों का काम चल जाता है, आप लोग पूरी लाइफ उसी में समर्पित कर देते हैं? सर हमारा जो मंथली एक्सपेंसेस है इतना हो जाता है कि हम लोगों को जरूरत पड़ती है इनके लिए तो कंप्लीट हो। तो ये जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब कि जितना इनका खर्च हो जाता है, लगभग एक दिन में कितना खर्च आ जाता है इनका लगभग? हमारा पर डे का एक्सपेंस होता है 2.5 से 3 हज़ार एक्सपेंसेज आता ही आता है। 2.5 से 3 हज़ार रुपये इनके ऊपर आप लगा देते हैं? बिल्कुल आ जाते। फिर आपकी लाइफ में अभी आपके घर में कौन कौन है, कैसे लोग सपोर्ट, कैसे लोगों का मिल रहा, घर वालों का? सर फैमिली में पूरी फैमिली है मेरी, मम्मी भी है, भाई भी है, बहन भी है, सभी मेंबर हैं। और अभी इनके लिए जो वर्किंग कर रहे हो, मैं शेल्टर पे बनाया हुआ है इनके लिए रेंट पे, और वहीं पे हम इनकी सेवा करें, जो डेली के लवारिस केस होते हैं, जख्मी कुत्ता बिल्ली बंदर वहीं पे करते हैं। तो लवारिस वो शेल्टर जो है वो रेंट पे आपने लिया? हाँ रेंट पे है सर सारा मेरा। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब घर वाले कैसे सपोर्ट करते हैं, जब शुरू में आपने ये सब काम स्टार्ट किया तो घर वालों का कुछ सपोर्ट होती है? कई बच्चा हमारा लड़का मतलब एक अच्छी लाइन से यहाँ कैसे मॉडलिंग करता था और इस लाइन से एकदम इन जानवरों में क्यों जानवर हो गए, तो होती है हर किसी फैमिली को। मॉडलिंग अब नहीं चल पा रही है? नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, मेरे को जो लोग दुआएं देते हैं ना उस चीज़ में सुकून है हमें, मेरे को मॉडलिंग में इंटरेस्ट नहीं है। मैं पहले वर्किंग करता था, मॉडलिंग करता था, बट क्या है कि आप जब कर्म करते हो ना उसमें क्या दिखावे की दुनिया होती थी, हर तरह के लोग होते थे। अब वो लोग हैं जो लोग दुआएँ देते हैं, जो लोग देखते हैं डेली की, इतनी अप्रिशिएटिंग, लाखों लोग हमें डेली के मतलब कमेंट होते हैं, वो दुआएँ देते हैं, तो हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये है। सर मॉडलिंग करते थे तो आपका मैंने फोटो देखा वहाँ पे जैसे लगा हुआ है, जी जी, कि उनके सपना चौधरी के साथ लगा हुआ है, और तमाम जो अभिनेत्री हैं या जो लोग हैं स्टार हैं, तो आप उनके साथ आप मतलब क्या दिक्कत हुई है का एक, जैसे आप इधर तो आ गए लेकिन आपको नहीं लगता कि उधर भी कुछ दुनिया है, उधर भी जाना चाहिए, उधर भी आपका शौक था एक? सर मैंने अभी आपको एक बात बताई कि आपका कर्म सबसे बड़ी पावर है और आपका कर्म आगे तक लेके जाता है, वो लाइन
ये नहीं कहता मैं लाइन अच्छी नहीं थी, बट मैं कह रहा हूँ कि उस लाइन में लोग दिखावे की दुनिया ज़्यादा होती थी और हमें संतुष्टि, हमें अच्छा लगता है ये काम करके, रात को चैन की नींद सोते हैं, सबसे बड़ा सुकून ही है हमारा। आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं, हमारे दर्शक हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप लोगों को सपोर्ट करें वो और किए और बड़े लेवल पे आप लोग मुमकिन कर पाएँ? मैं यही कहना चाहता हूं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई एनिमल्स के प्रति कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे जो जख्मी लवारिस के साथ है उनके इलाज हो सके, उनकी देख रेख हो सके। हमारे करनाल में तो कोई ऐसा हॉस्पिटल है नहीं जो 24 आवर्स सर्विस दे सके, क्योंकि यहां पे जो टाइमिंग है हॉस्पिटल की सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक, 1:30 बजे तक और 1:30 से लेकर 5 बजे तक के बीच में कोई हॉस्पिटल ओपन नहीं होता। इन भगवान ना करे इस टाइमिंग पे कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो उस टाइमिंग पे बच्चे को तड़प के अपनी जान देनी पड़ती है, तो 24 आवर सर्विस होनी चाहिए। फ्यूचर में आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, अभी फ्यूचर में क्या सिम लगे रहेंगे? ऐसी शेल्टर या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपना खुद का इनके लिए शेल्टर बना पाए और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स की हेल्प कर पाए। बस टाइम से हमारे साथ क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ सर। किस क्लास में? BA सेकेंड ईयर। तो कैसे आप लोग कैसे मतलब जानवरों के चक्कर में कहाँ पड़ गए आप लोग? ये भैया सर बड़े भाई है तो मैं इनके साथ ही रहता हूँ। कोई एक्सीडेंट होते हैं वगैरह वो देखे नहीं जाते हमसे, तो हम मैं भाई को कॉल करता था पहले तो भाई आते थे, फिर मैं भाई के साथ ही जाने लग गया केस वगैरह पे डेली, तो अब हम डेली वर्किंग करते हैं इनके लिए। अच्छा, जैसे किसी को मान लीजिए कोई केस मिलता है और आपको कैसे इन्फॉर्म करें, हाँ उस बारे में भी जान लेते हैं। सर देखो कोई करनाल के आसपास का केस है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर है 8929240001 और पेज भी है करनाल रॉकस्टार के नाम से, उस पर भी आप जाके विजिट कर सकते हो, प्रोफाइल चेक कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमसे दूर है तो रिक्वेस्ट है आप अपने आसपास गूगल पे सर्च कीजिए एनिमल्स हेल्पलाइन नंबर, अगर मूंगकी का केस है तो फॉरेस्ट हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करके उनको इन्फॉर्म कीजिए, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आपने सुना कि एक जो संस्था है, संस्था के माध्यम से जानवरों की रक्षा करना, जानवरों को जो है सुविधा देना, उपचार समय पर उपचार देना अगर कोई तकलीफ हो, और उसके बाद उनको जंगल में उसी रूप में छोड़ देना, ये एक मानव का एक इंसान होने के नाते कर्तव्य भी है। और हाँ, अगर किसी जानवर को कोई तकलीफ हो देता है अपने आप से, मानो उसको पिंजरे में कैद रखता है या कुछ और करता है, उसके साथ क्रुएल्टी करता है, कोई ऐसा प्रताड़ना देता है, तो एक वो अपराध है। तो यहाँ पर जो आपने देखा वो एक तरीके से जानवरों को के हित में जो काम हो रहा है उसके लिए लोगों को प्यार मिल रहा है उसको आपने देखा, और अभी आपको हमने दिखाया किस तरह से बंदर को यहाँ पर छोड़ा गया है, और अब आपको दिखाते हैं ये कुछ छोड़ने जा रहे हैं, क्या है ये? इसके अंदर बंदर है, मंकी की डेथ हो गई थी, मंकी है एक, ये 11,000 वोल्ट का करंट लगा था, इसका पैर भी तो बच नहीं पाया। हाँ, इसकी एक सर्जरी तो रात ही करवा दी थी हम लोगों ने। हाँ, तो ये सर्जरी करवाने के बाद भी और इनके बाद भी ये बच नहीं पाया, तो ये इस बंदर को यहाँ पर ले जाके दफन भी करना पड़ता है इनको। इनकी सारी चीज़ें मतलब अब देखिए ये जब कोई मर जाता है तो उसको किस तरीके से दफनाना भी पड़ता है, क्योंकि ऐसे खुले में बदबू भी आएगी और तमाम चीज़ें होती हैं, दिक्कतें होती हैं। तो लेकिन देखिए किस तरीके से ये लोग लगे हुए हैं, हालांकि आप जो देखते हैं कि कहीं पर सोशल मीडिया पर जो देखते हैं वो प्यार, उसके पीछे क्या कुछ जोखिम है वो भी आप देख सकते हैं, किस तरीके से पूरा जो जीवन है वो इसी में लगा रहता है, और ये पवन शर्मा जो हैं वो उनकी वजह से ये मुमकिन हो पा रहा है। फिलहाल इसी तरीके से आपको हम दिखाते रहेंगे कुछ अपडेट्स, जिस तरीके से हम दिखाते हैं कि कौन अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से काम कर रहा है उन तक हम पहुँचते हैं, और इसी तरीके से फोरम फोर को आप लोग प्यार देते रहिए, देखते रहिए फोरम फोर। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन कोमल के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम फोर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।